आज आम आदमी पार्टी के जितने काउंसलर्स जीत के आए हैं उन सब लोगों के साथ मीटिंग हुई, सब लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उन्हें एक ही मैसेज मैंने दिया है कि आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके कई काउंसलर जो है वो आम आदमी से काम कराने के पैसे लेते थे, जनता ने उसके खिलाफ गुस्से में आके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतने षड्यंत्र रचे, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए झूठे झूठे वीडियो, झूठे झूठी चिट्ठियाँ, झूठे झूठे आरोप, सारी एजेंसीज लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया और जनता ने कहा नहीं, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं, हम इनको वोट देंगे। तो आज मैंने सभी काउंसलर्स को कहा कि आपको इस भरोसे को अगले 5 साल में और सुदृढ़ करना है, आगे आपने अपने आचरण से और अपने काम से जनता का विश्वास जीतना है और दूसरा बड़ी विनम्रता के साथ सबसे पेश आना है, गुस्सा नहीं करना, किसी से भी नाराज़ नहीं होना, और तीसरी चीज़ सबके काम करने हैं, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कोई कांग्रेस का हो, काम सबके करने हैं, हमें सबका दिल जीतना है। एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली में 2 करोड़ के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के होंगे, किसी पार्टी का नहीं बचेगा, हम अपने काम से और अपने आचरण से सबका दिल जीतेंगे। आपने कहा कि पैसे लेना एक बुरी लत है, विपक्षना का आपने भी उदाहरण दिया, तो क्या ये माना जाए कि सख्त एक्शन लेंगे अगर कोई अगर ऐसा करता है तो? हम तो लेंगे ही लेंगे, हम तो सख्त एक्शन लेते भी हैं और लेंगे भी। मैंने सबको ये कहा कि अगर आप सोचो कि आपने पैसे लिए और किसी को पता नहीं चला, सबसे पहले तो ऊपर वाले को पता चलता है और ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करता, प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती। आप ये सोचो कि मैं ले लूँगा और तो प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती, और जिस दिन पकड़े गए आप भी बर्बाद हो जाओगे और पूरा परिवार आपका बर्बाद होता है, इतनी बदनामी होती है। दूसरी तरफ अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो इतनी इज्जत मिलती है, इतना सुकून मिलता है, दिल की शांति मिलती है। तो मैंने सबको यही कहा कि ईमानदारी से काम करो। मेयर कौन होगा? हाँ, वो चार दिल्ली को चार पार्ट्स में बांट दिया क्योंकि नए नए काउंसलर्स हैं, उनको कई लोगों को पता नहीं चलेगा ये काम करवाने के लिए कहाँ जाएं, प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या होती है, अब वो सीधे मुझे फ़ोन कर नहीं सकते, उनको ये समझ नहीं आएगा किसको फ़ोन करें। तो हमने चार पार्ट्स में दिल्ली को बांट दिया और आतिशी, अदिल, दुर्गेश और सौरभ की ड्यूटी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।